हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे लिंक क्लोन फार्मास्यूटिकल का क्वार्टर वन का रिजल्ट यहाँ पे क्या निकल के आ चुका है। सो डायरेक्टली यहाँ पे हम पेज नंबर टू पे जाएंगे, जहाँ पे कंपनी की आपको क्या है कंसोलिडेट वाले जो रिजल्ट आपको क्या देखने को मिल जाएंगे। डेटा क्या लैक्स में दिए हुए, डेटा को हम क्या क्रोस में काउंट करेंगे। करंटली कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखने जाएंगे, सो रेवेन्यू नंबर्स यहाँ पे दिया। करंट क्वार्टर में 147 का एक्सपेंस और रेवेन्यू है, जो कि पिछले क्वार्टर में 142 का रेवेन्यू था। सो क्वार्टरली ज्यादा नहीं, बट लगभग क्या 4 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। ईयरली वाइज देखो तो लगभग कितना 12 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू का बढ़ता देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2023 के जून के क्वार्टर में 135 का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 147 हो गया। सो क्वार्टरली ईयरली दोनों ही कंपनी का रेवेन्यू का बढ़ा है। नेक्स्ट एक्सपेंस की बात करें, कंपनी का एक्सपेंस यहाँ पे दिया है। करंट क्वार्टर में 128 का एक्सपेंस है, पिछले क्वार्टर में 127 था। सो लगभग 1 करोड़ के आसपास कंपनी का जो एक्सपेंस है बढ़ा है। ईयरली बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे 2023 के जून के क्वार्टर में 117 का एक्सपेंस था, जो कि भी 128 हो गया। सो ईयरली में ज्यादा नहीं, बट लगभग पकड़ सकते हो कि कितना 11 करोड़ के आसपास कंपनी का एक्सपेंस के ईयरली वाइज बढ़ता देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वीक प्रॉफिट की बात करेंगे ना, सो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट एक्जैक्टली यहाँ पे दिया। करंट क्वार्टर में 23 करोड़ का प्रॉफिट, पिछले क्वार्टर में 18 करोड़ का प्रॉफिट था। सो क्वार्टरली वाइज कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ बढ़ा है। ईयरली वाइज देखो तो 4 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट क्या बढ़ता देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2023 के जून के क्वार्टर में 19 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी कितना 23 करोड़ है। सो क्वार्टरली ईयरली दोनों ही कंपनी का यहाँ पे क्या नेट प्रॉफिट बढ़ा, इवन एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू भी क्या बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। करंटली कंपनी का शेयर अगर आप देखोगे, सो लगभग क्या 690 के आसपास ट्रेड हो रहा। ऑलमोस्ट जो स्टॉक है 2.96% अप है, मीन्स ऑलमोस्ट पकड़ सकते 4% स्टॉक अभी अपसाइड ही चल रहा है। एंड स्टॉक लाइक लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफी अच्छा है फॉर द इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो जरूर आप इसको क्या अपने पोर्टफोलियो में जरूर इसको आप ऐड कीजिएगा। सो ये था कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट। सो आई थिंक आपके जो डाउट क्लियर हो गए हैं, सो गाइस लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।